हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। नाउ वी कंटिन्यू चैप्टर 1 इन योर नोटबुक। फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? हमारे स्मॉलेस्ट टू लार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लिखेंगे। तो इनमें सबसे स्मॉल नंबर है 209। ओके, नेक्स्ट है हमारा 290। हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। फिर है 902, 920 एंड 990। तो इसको हमने स्मॉल से बिग की तरफ लिखा है। ओके, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये चारों आप अपने आप करेंगे, ये हम बुक में बाकी करा चुके हैं। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग का अपोजिट। इसमें हमने स्मॉल टू बिग लिखा था, तो इसमें हम बिग टू स्मॉल लिखेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर, तो इन सभी में सबसे बिग कौन सा है? 891। फिर इससे स्मॉल 653। ओके, फिर इससे 418, फिर 391 एंड 206। अब ये बाकी के चारों आप अपने आप करेंगे। पुट द साइन, ये स्मॉल, बिग और इक्वल, इन सभी में हमें नंबर्स को देख के आपको इसके साइन लगाने। तो इसमें बताइए आप, 743 स्मॉल है इससे कि बिग है? तो ये बिग है हमारा, ये तो स्मॉल है, तो हम कौन सा वाला साइन लगाएंगे? ये स्मॉल वाला। ओके, ये आप इसमें साइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब इसमें हमने तीनों दे रखी है एक ही एक्सरसाइज में। ये नंबर दे रखा है, इससे बिफोर भी लिखना है, आपको आफ्टर भी लिखना है। तो 733 से बिफोर, यानी पहले कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में? 732। और इसके बाद कौन सी काउंटिंग आती है? 734। तो ये दोनों सेम एक्सरसाइज हैं। इसमें आपको बिटवीन लिखना है, यानी 993 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, या फिर 995 से पहले कौन सी काउंटिंग आती है। तीसरी तरीके से ऐसे भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सी काउंटिंग आती है। तो ये आप अपनी आस नोटबुक में करेंगे। पेज नंबर डाला हुआ है, कल हमने पेज नंबर 6 तक करा था। 7 पे आपको ये वाला करना है, एक ही पेज में सारा वर्क नहीं करना है। 8 में आपको डिसेंडिंग करना है, नीट एंड क्लीन, वन लाइन का गैप देकर। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 9 पर ये करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।